हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इससे क्वेश्चंस 110% आपके आएंगे, भले ही वो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, आपका आईपीमैट हो, जिपमैट हो. तो इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है एंड ये इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है जितना इसको बना दिया गया है. ठीक है, कुछ कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. एंड अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं देन मैं आपको केवल एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे अपने टाइम एंड वर्क के. तो स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क से. पहले तो टाइम एंड वर्क है क्या यार? अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लो अपने मन में कि एक ए है और एक बी इंसान है, ये एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, ये एक दिन में दो कुर्सी बनाता है. 7 दिन के बाद कितनी कुर्सी बना लेंगे ये? ये 7 बना पाएगा, ये 14 बना पाएगा. अब हमें ये कुछ चीज़ें अपने आप समझ में आई जाती हैं, कोई बताने वाली बात नहीं है इसमें. क्या पहली बस हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकली बात कर रहे हैं इसलिए हमें लगता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत जनरल चीज़ें हैं. टाइम एंड वर्क, जितना टाइम ज़्यादा लग रहा है, किसको टाइम ज़्यादा लगता है इस केस में? इसको, ए को. ये एक दिन में एक कुर्सी बना पाता है, यानी कि एक कुर्सी बनाने में ही इसको काफ़ी टाइम लग जाता है. जितना टाइम ज़्यादा है उतना आपका काम कम हो रहा है, एंड जितना आपका टाइम कम लगता है काम करने में उतना आपका काम ज़्यादा हो पाता है. सिंपल बात है. तो इसको अगर आप साइंटिफिक टर्म्स में कुछ बहुत थियोरेटिकल बातें करनी है तो आप इसको बोल सकते हो कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि टाइम ज़्यादा लगेगा तो काम कम होगा एंड टाइम कम लगेगा तो काम ज्यादा होगा. ठीक है, ये तो एक चीज हो गई. दूसरी चीज क्या होती है आपकी? वो होती है टाइम एंड एफिशिएंसी. अब ये भी सेम चीज ही है जो हमने पहले बात करी, लेकिन मैं इसको दो पार्ट में से डिवाइड कर रहा हूं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके टाइम एंड वर्क पे बेस्ड होते हैं, कुछ आपके टाइम एंड एफिशिएंसी पे बेस्ड होते हैं. यानी कि इस केस में एफिशिएंट कौन है? ये एक दिन में दो कुर्सी बनाता है, यानी कि ज्यादा एफिशिएंट ये है. जितनी आपकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी मतलब आपको टाइम कम लग रहा है, तो ये भी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. यानी कि जितना आपको एफिशिएंसी आपकी अच्छी है उतना आपका टाइम कम है, जितनी आपकी एफिशिएंसी खराब है उतना आपको टाइम ज्यादा लग रहा है काम करने में. ठीक है, ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया, लेकिन ये कुछ टर्म्स है जो मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना था. टाइम, एफिशिएंसी, वर्क, समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इन योर टाइम एंड वर्क. तो टाइम एंड वर्क के अंदर बेसिकली दो टाइप ऑफ मेन क्वेश्चंस होते हैं, एक में आपको टाइम एंड वर्क दिया होता है, एक में आपको टाइम एंड एफिशिएंसी दी होती है. अगर आपको टाइम एंड वर्क दिया हुआ है तो आपके केवल एक ट्रिक से ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. एंड टाइम एंड एफिशिएंसी के लिए एक थोड़ी सी डिफरेंट ट्रिक यूज होती है, वो मैं आपको बता दूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो. एट द एंड ऑफ द वीडियो हम टाइम एंड एफिशिएंसी की एक दो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले जो मेन फोकस है वो है हमारा टाइम एंड वर्क के ऊपर. टाइम एंड वर्क के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके? पहला होता है कि आपका ए एक्स डेज में काम करता है, बी वाई डेज में करता है, तो ए और बी मिला कितने दिन में करेंगे, या फिर ए और बी मिला के एक्स डेज में करते हैं देन वाई देन ए अकेला कितने दिन में करेगा, या फिर ए और बी काम कर रहे थे एंड ए लेफ्ट द वर्क इन बिटवीन तो अब बी कितने दिन में कर पाएगा उस काम को कंप्लीट, या फिर फ्रैक्शन वाला हो सकता है. फ्रैक्शन में क्या होता है कि आपको दिया होता है कि ए 1/2 ऑफ द वर्क को करता है 6 दिन में एंड बी 2/3 ऑफ द वर्क को करता है 5 दिन में, तो आपको बताना होता है कि ए अकेला कितने दिन में करेगा, बी अकेला, या फिर ए और बी मिला के, ऐसे कुछ पूछेगा वो आपसे. तो हम ऐसे क्वेश्चंस पहले करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर. सो स्टार्ट करते हैं, मेरा टाइम वेस्ट किया. तो पहला क्वेश्चन करते हैं. पहले क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए डज अ वर्क इन 10 डेज एंड बी डज अ सेम वर्क इन 15 डेज. तो वो कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल दे बोथ टुगेदर कंप्लीट द वर्क, यानी कि अगर ए और बी साथ में काम करें तो वो कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे. ठीक है, सबसे बेसिक टाइप का क्वेश्चन है एंड मैंने आपको बताया ही है, ये क्वेश्चन हम पहले कर रहे हैं टाइम एंड वर्क वाले. एंड टाइम एंड वर्क में आपको केवल एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन उस ट्रिक को जाने से पहले आपको एक लॉजिकल तरीका पता होना चाहिए कि कैसे इसको करना होता है. तो बेसिकली इसको करने के दो तरीके हैं, एक हो गया शॉर्ट ट्रिक वाला, एक हो गया थोड़ा सा लॉन्ग लेकिन लॉजिकल वे. तो पहले हम समझ लेते हैं जो आपको लॉजिकल वे है ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें हुआ क्या, कंसेप्ट क्या लगा बेसिकली. तो ए एक काम करता है 10 दिन में, यानी कि ए उस काम को एक दिन में कितना करता होगा 1/10 करता होगा. बी पूरे काम को 15 डेज में करता है, यानी कि एक दिन में कितना करता होगा, एक दिन में 1/15 ऑफ द वर्क करता होगा, राइट. अब वो कह रहा है अगर ए और बी साथ में काम करें, यानी कि अगर इन दोनों को मिला दो तो एक दिन में कितना काम कर लेंगे ये लोग, 1/10 + 1/15, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो आपका आ जाएगा 3 + 2/30, ये हो जाएगा आपका 5/30, यानी कि 1/6. यानी कि अगर ये दोनों साथ में काम करें तो वो एक दिन में कितना काम कर लेंगे, वो एक दिन में 1/6 ऑफ द वर्क कर लेंगे. इसका मतलब कितना टाइम लगेगा दोनों करने में, अगर एक दिन में 1/6 काम कर रहे हैं तो 6 दिन में वो पूरे काम को कंप्लीट कर लेंगे, राइट. ये तो हो गया थोड़ा सा लॉजिकल वे. अगर आपको ये तरीका बेटर लगता है आप इससे भी कर सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट वे भी होता है. शॉर्ट वे क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ एंड इसी वे को आप यूज करके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं टाइम एंड वर्क के. अब इसी क्वेश्चन को करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक के लिए देखो क्या करना है आपको,
10-15 आपको डेज दे रखे हैं यहाँ पे, राइट तो आपको इनका पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम ले लो 30, राइट। अब क्या करना है, अब इसको डिवाइड कर दो, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3 आपका एंड यहाँ आ जाएगा आपका 2, राइट। तो हमने क्या किया, हमें ये पता है कि ए 10 दिन में काम करता है, बी 15 दिन में काम करता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि टोटल काम कितने दिन का है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि 30 दिन का काम है टोटल, 10 दिन लगते हैं इसको करने में, यानी कि ये 3 यूनिट कर लेगा एक दिन के अंदर। बी करता है 15 डेज में पूरा काम, यानी कि ये 2 यूनिट कर लेगा एक दिन के अंदर। हमने इसको डिवाइड कर दिया यहां पे, एंड अब आप इनको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 5, यानी कि 5 यूनिट काम ये दोनों मिला के करते हैं एक दिन के अंदर। टोटल काम कितना करना है, 30 दिन में टोटल काम करना है, यानी कि 30 / 5 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 डेज। तो आपको ये तरीका बेटर लगे, ये थोड़ा सा फास्टर वे है, ये बेटर लगे तो आप ये कर सकते हो, पहले वाला बेटर लगे तो पहले वाला कर सकते हो, लेकिन इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके टाइम एंड वर्क के सॉल्व हो जाते हैं। मैं दिखाता हूँ कैसे, एक और क्वेश्चन करते हैं आपको समझ में आ जाएगा कि हमने कैसे किया। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में हमें ए दिया हुआ था, बी दिया हुआ था, एंड हमें पूछ रहा था कि ए और बी मिला कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे हमें ए और बी दे रखा है कि दे डू द वर्क इन 15 डेज। अब वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है बी कैन अलोन डू द वर्क इन 20 डेज, बी अलोन 20 डेज में कर सकता है, तो ए अलोन कितने दिन में करेगा। ठीक है, अगेन आपको डेज दे रखे हैं यहाँ पे, सेम आपको ट्रिक यूज करनी है तो आप यूज कर सकते हो। क्या करना है, वापस से आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम इस केस में हो जाएगा आपका 60, एलसीएम लोगे एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 एंड ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, डिवाइड कर दिया 60 को 20 से, 60 को 15 से, 4, 3। एंड अब आपको क्या करना है, ये 4 क्या आया है, ये 4 एक दिन का काम आया है ए और बी का मिला के, यानी कि ए और बी मिला के 4 यूनिट ऑफ काम करते हैं। उनको अगर 60 टोटल काम करना है तो वो 4 यूनिट ऑफ काम कर लेते हैं एक दिन में ए और बी मिला के। एंड बी अकेला, ये हमें आया था बी का, तो बी अकेला कितना करता है, बी अकेला 3 यूनिट काम करता है एक दिन में। अगर ए और बी मिला के एक दिन में 4 यूनिट काम करते हैं, उसमें से बी 3 करता है, यानी कि ए कितना करता होगा, ए 1 यूनिट करता होगा, राइट। तो अब उसको टोटल काम करने में टोटल कितना है, 60 का काम है, 60 डेज का, एंड उसको एक या 60 यूनिट का काम है, तो उसको एक, अगर वो एक दिन में एक यूनिट करता है तो उसको कितने लगेंगे, 60/1 यानी कि 60 डेज लगेंगे किसको, ए को करने में पूरे काम को अकेले, राइट। तो ये आपका एक और क्वेश्चन हो गया, एक और करते हैं, आपको धीरे धीरे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपकी जो क्लैरिटी है वो और बढ़ती जाएगी एंड आपको विद इन नो टाइम वाले क्वेश्चन आप सॉल्व करने लग जाओगे इन योर एग्जाम्स आल्सो। सो एक और क्वेश्चन करते हैं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट हैं तो कोई भी क्वेश्चन स्किप मत करना, हर क्वेश्चन में एक नई चीज़ मैं आपको समझा रहा हूं। सो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको कि ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू इट इन 15 डेज, बी अलोन वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट, यानी कि ए काम करता है 18 दिन में, बी करता है 15 डेज में, ये तो हम पहले समझ चुके हैं ऑलरेडी ये सब। अब वो इसमें एक्स्ट्रा क्या कह रहा है कि बी ने 10 दिन के लिए काम करा और फिर काम छोड़ दिया, एंड वो आपसे पूछ रहा है कि बचा हुआ काम जितना ये कर चुका है उसके बाद जो बचा काम है वो ए कितनी देर में अकेले कर पाएगा, राइट। तो पहले इस पार्ट को छोड़ दो, मैंने आपको बताया ये कि एक ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। कैसे, देखो 18 और 15 आपको दे रखा है, डेज दे रखे हैं यहाँ पे, ए करता है 18 में, बी करता है 15 डेज में, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले वाले क्वेश्चन में भी। तो आपको यहाँ पे बस एलसीएम लेना है, यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा 90 इस केस में, एंड ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 18 से करोगे तो ये आपका हो जाएगा 5 एंड यहाँ पे हो जाएगा आपका 6। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर 90 दिन का टोटल काम है तो उसमें से 18 यानी कि सॉरी जो ए है वो एक दिन में 5 यूनिट ऑफ काम करता है एंड बी एक दिन में 6 यूनिट ऑफ काम करता है, राइट। एंड वो कह रहा है कि बी ने 10 दिन काम किया था, यानी कि इसने जो एक दिन में 6 यूनिट काम करता है उसने 10 दिन काम किया था, यानी कि वो 60 यूनिट ऑफ काम तो ऑलरेडी कर चुका है इस 90 में से 60 किया तो आपको बचा 30, यानी कि ये 30 यूनिट्स तो कंप्लीट करने हैं बस। 30 किसको करने हैं, वो करने हैं ए को। वो पूछ रहा है ये बचा हुआ काम 30 यूनिट्स का कितने दिन में ए कर पाएगा, ए एक दिन में 5 यूनिट करता है तो वो बचा हुआ 30 कर पाएगा 5, 6, 36 डेज में। सो 6 डेज इज योर आंसर इन दिस केस। ठीक है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ट्रिकी किया गया है लेकिन अगेन आपका इसी कंसेप्ट से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। एक और क्वेश्चन करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके अंदर दिया हुआ है कि ए डज 1/2 ऑफ द वर्क इन 5 डेज, यानी कि ए डज कितना, आधा वर्क इन 5 डेज। अब वो कह रहा है बी कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क इन 9 डेज, बी कैन डू 3/5 ऑफ द वर्क
in 9 days. And वो कह रहा है C can do 2/3 of the work, C can do 2/3 of the work in 8 days, right? अब देखो यार, डेज तो इसमें दे रखे हैं, लेकिन इसमें साथ में एक क्लॉज और है कि वो पूरा काम की बात नहीं कर रहा, वो बात कर रहा है हाफ वर्क की या 3/5 वर्क की या 2/3 वर्क की. इसका मतलब हमें अगर इसका पूरा चाहिए तो हमें इसको भी कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा. अगर वो आधा काम 5 दिन में कर रहा है तो वो पूरा काम कितने दिन में करता होगा. इसको अगर हम रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर दें, इसका मतलब वो 10 दिन में पूरा काम करता होगा. अगर हमने यहाँ भी रेसिप्रोकेट किया तो हमें यहाँ भी सेम चीज़ करनी पड़ेगी, यानी कि 9 × 5/3, ठीक है, 3×3 = 9, ये आपका आ जाएगा 15 डेज. यानी कि 15 डेज में अगर ये बी 9 डेज में 3/5 करता है तो पूरा काम वो करता होगा 15 डेज में. सिमिलर चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, 8 × 3/2 हो जाएगा आपका 4×3 = 12 डेज, राइट. अब हमारे पास फाइनली जो डेज हमें नॉर्मली मिलते हैं वो मिल गए हैं. बस यहाँ पे ट्रिक क्या थी, हमें अगर किसी ने ये वाले डेज यूज़ कर लिए तो उसका आंसर गलत हो जाएगा. हमें क्या करना है, इसको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कितना काम कर रहा है. वो टोटल काम की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे, 1/2 3/5 2/3 की बात कर रहा है. तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड हमें यहाँ पे डेज आ गए फाइनली. अब क्या कह रहा है, इफ़ ए बी सी वर्क टुगेदर देन इन हाउ मेनी डेज कैन दे कम्प्लीट द वर्क टुगेदर. यानी कि अगर वो साथ में काम कर रहे हैं ए बी और सी, तो वो कितने दिन में अपना काम कम्प्लीट कर पाएंगे पूरा. तो अगेन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया. तो बस हमें ए बी और सी तीनों का बताने कि वो एक साथ के दिन में करेंगे. तो अगेन जब यहाँ पे तीन चीज़ें हों तब भी आपको सेम चीज़ करनी है, आपको एलसीएम ही लेना है. एलसीएम हो जाएगा आपका 60 का आपका एलसीएम होगा. एंड यहाँ से आप वापस से डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा, इससे करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 15 से करोगे तो आपका आ जाएगा आपका 4, एंड इससे करोगे तो आपको आ जाएगा 5 × 12 = 60, राइट. तो यानी कि ए करता है 6 यूनिट ऑफ काम, बी करता है 4 यूनिट ऑफ काम, एंड सी करता है 5 यूनिट ऑफ काम इन वन डे, जब हम मान रहे हैं कि 60 डेज का टोटल काम है हमारे पास, ठीक है. तो ए बी एंड सी मिला के कितने दिन में करेंगे, 6 और 4 = 10 और 5 = 15. यानी कि 15 तो ये काम करते हैं एक दिन के अंदर, एंड टोटल काम करना है 60 का, तो हम 60 से इनके 15 को डिवाइड कर देंगे तो 15 × 4 = 60. तो 4 डेज में आपका टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा अगर ए बी एंड सी एक साथ काम करें, राइट. मैंने जैसा आपको बोला था, प्रॉमिस किया था, एक ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं टाइम एंड वर्क के. अब हम चलते हैं टाइम एंड एफिशिएंसी के ऊपर. टाइम एंड एफिशिएंसी आप देखना कि हमें ऐसे हम सॉल्व नहीं कर पाए क्वेश्चन को, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्वेश्चन करना, को समझ में आएगा कैसे. तो अब हमें क्वेश्चन करते हैं एफिशिएंसी एंड टाइम का. एफिशिएंसी एंड टाइम के अंदर जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं आपको ये ट्रिक बता दूंगा. लेकिन एफिशिएंसी एंड टाइम के अंदर आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जैसे हम पहले कर रहे थे कि हमने एलसीएम ले लिया एंड डिवाइड करके हमारे पास वन डे का कि वो कितना काम करते उतना आ गया, ऐसा नहीं कर पाएंगे. देखिए कैसे, यहाँ पे दे रखा है ए इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी. यानी कि ए की जो एफिशिएंसी है दैट इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बी, 2:1 का हो गया. नाउ इफ बोथ कैन डू वर्क अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज, यानी कि ए और बी मिला के किसी काम को 12 दिन में कर पाते हैं, देन ए कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, ठीक है. तो अब देखो यार, यहाँ पे क्या है, हमारे को ऐसे कुछ दिख नहीं रहा है कि हम क्या 2 डेज लें कि हम उनका एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर आ जाए, ऐसा यहाँ पे कुछ करने का ऑप्शन नहीं है. यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, हमारे पास एफिशिएंसी है. अब इसको करने का जो एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो आप नोट डाउन कर सकते हैं कहीं पे, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होता है, जो भी आपसे पूछा गया है तो आपके जो रेशोज हैं उनको ऐड कर दो, वो आ जाएगा आपका 3. अब ए और बी मिला के काम करते हैं 12 दिन में, तो 12 में आपको मल्टीप्लाई करना है इनके एडिशन को 3 एंड डिवाइड करना है जो भी उससे पूछा है. यानी कि ए का उसने पूछा है तो ए का 2 है, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका हो जाएगा 6. तो ये आपका हो जाएगा 18 इज योर आंसर इन दिस केस, डायरेक्ट आंसर आता है. इसको अगर आप वैसे करने की कोशिश करेंगे तो आपसे नहीं होगा, इसलिए इस केस में जो ट्रिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आगे आने वाली वीडियोज़ में हम और बात करने वाले हैं अबाउट एफिशिएंसी वाले क्वेश्चंस, जैसे कि आपके ये वाले क्वेश्चंस हो गए जिसके अंदर आपको रेशो दे रखा होगा, उसको करने का अलग तरीका होता है. सो ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है ये दिखाने के लिए कि एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में आप सेम ट्रिक यूज़ नहीं कर पाएंगे जो हम पहले यूज़ कर रहे थे इन योर टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस. तो आज की वीडियो वॉज मोर अबाउट टाइम एंड वर्क. पहले टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको उनके ऊपर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाए, एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द एफिशिएंसी एंड टाइम वाले क्वेश्चंस. सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो. आई होप आज की वीडियो में आपको कुछ समझ में आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज़ लाइक करना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.